कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें सारे जो स्कूलिंग का जो सारा निज़ाम है उसको हमें दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा कि ये एक तो ब्रिक एंड मॉर्टर तो ज़रूरी है, स्कूल का होना भी ज़रूरी है, और स्कूल जितने हम बढ़ा सकते हैं जितने बना सकते हैं हमें बनाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा इस सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सोचना पड़ेगा और उसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। वर्चुअल स्कूल्स जो हैं उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, यानी कि अगर ज़रूरी नहीं है कि एक इमारत हो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो ये एक छोटे से प्रोजेक्टर के से आप एक कहीं दूर से बैठ के आप लेक्चर जो हैं उनको आप बीम कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, यानी कि आप जो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जितने भी तरीक़ाकार हैं उन सारों को तब्दील किया जा सकता है और सारों को फोकस किया जा सकता है विमेन्स गर्ल्स एजुकेशन पे, क्योंकि जो एक्सेस का मसला है वो कम हो घर के करीब, और इसके लिए कुछ इकदाम हो भी रहे हैं, पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन फेडरल लेवल पे जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो पाबंदियाँ हैं, ये जो ट्रेडिशनल हर्डल्स हैं बच्चों तक पहुँचने के लिए और तालीम के मैदान में जो हर्डल्स हैं उनको हम कैसे